हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एस हिरेन गिरिया चैनल। मैं करण कोठारी आपके पास वापस आ चुका हूँ विद मैथ्स विद करण लेके। हम हैं इस चैप्टर के लास्ट वीडियो और लास्ट सेशन में, दैट इज़ कॉल्ड कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ये मेरे मैथ्स टू का फर्स्ट चैप्टर है गाइज। सबसे पहले ये चैप्टर बहुत ही स्मूथ एंड ईजीली है, इसमें काफ़ी स्कोर कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है तुम लोग को। लेकिन ये चैप्टर और आगे बढ़ने के साथ मैं एक्सरसाइज हूँ 1.2 पे। 1.2 के हम लोग लास्ट वाले पार्ट के 5 सम बाकी हैं, वो इस वीडियो में आपको मैं ख़त्म करवा दूंगा। नेक्स्ट, अगर आप लोग इस वीडियो और इस चैप्टर को समझा हो तो प्लीज़ बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए बिकॉज एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो तुम लोग को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा और तुम लोग का कैचअप होते रहेगा, ठीक है। नाउ मैं ये सम चालू करता हूँ। वी आर ऑन 1.2 एक्सरसाइज एंड 1.2 एक्सरसाइज का हम लोग अभी पहुंच चुके हैं ऑन आई गेस 11th क्वेश्चन। ऑल राइट, सबसे पहले तुम लोग का लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज मैंने वापस से दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन बुक बोर्ड पे। दैट इज फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है SD। वॉट इज SD सर? तो स्टैंडर्ड डिस्काउंट ये है तुम लोग का PW+TD। TD मतलब ट्रू डिस्काउंट, मतलब PW(N)(R/100), BD मतलब SD(N)(R/100), बैंकर्स गेन, गेन वेरी इंपॉर्टेंट है, BD-TD, BG का और एक फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का TD(N)(R/100), एंड कैश वैल्यू इज SD-BD। मूविंग विद द क्वेश्चन, तुम लोग का ध्यान सिर्फ यहाँ पे ही होना चाहिए एंड तुम लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठना बिकॉज ये क्वेश्चन शायद तुमको ना दिखे क्लियरली, बिकॉज वीडियो जूम करना हर एक के फोन में वो एप्लीकेशन होगा नहीं, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th April फॉर 7000। तो बिल का ड्रॉन का अमाउंट है 7000। ड्रॉ कब किया गया था सर? 14th April को। एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th July। तो डिस्काउंट कब किया था? 6th July को। कितने मंथ्स के लिए अब तक बोला नहीं है। तो नाउ एट 5% पर एनम द बैंकर्स पेड ₹6,930 फॉर द बिल। तो ये जो 7000 है ना, वो मेरा फेस वैल्यू है और ये जो है ना मेरा, ये मेरा डिस्काउंट करने के बाद का वैल्यू, तो मुझे इससे डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफ द बिल। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, तो मुझे एंड ढूंढना है, तो मुझे पीरियड पता चल जाएगा कितने दिन का था, कितना क्या था, ठीक है एवरीवन। तो जो जो इन्फो दे दिया है वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा। तो गाइज मेरा फेस वैल्यू, अगर तुम लोग यहाँ पे मेरा फेस वैल्यू ढूंढोगे तो कितना है सर? तो सर वो 7000 है, बराबर है। फेस वैल्यू मेरा 7000 है, बराबर है। ध्यान से देखना, फेस वैल्यू मेरा कितना है? 7000। उसके बाद मेरा BD, ठीक है, BD जो है वो मेरा मिलेगा लेकिन डिस्काउंट के बाद। तो बैंकर्स पेड, तो फाइनल अमाउंट जो मेरा कैश वैल्यू है, कैश वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? 6930। सो देयरफॉर, और मेरा और एक चीज़ आर दे दिया है, उन्होंने 5% आर दे दिया है, 5%। सो देयरफॉर सर, बैंकर्स डिस्काउंट अगर मुझे चाहिए तो वो मिल जाएगा 7000-6930। दैट इज कहने से BD मेरा हो चुका है प्योरली ₹70। यहाँ तक मेरी बात एकदम क्लियर है, तुमको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। 70 हो गया है मेरा। नाउ मुझे एन ढूंढना है गाइस, एन। तो तुम लोग के पास फॉर्मूला भी है और तुम लोग को आइडिया भी मिल जाएगा दैट BD इज इक्वल टू FV(N)R एंड द होल अपॉन 100, ठीक है। मैं डेज में निकालने वाला हूँ, तो BD मेरा 70 हो जाएगा, फेस वैल्यू मेरा 7000 है, एन तो नहीं पता, वही ढूंढ रहे हैं। ये मेरा 5% है, आई गेस क्वेश्चन में 5% दे दिया है मुझे, ये है मेरा 5, तो होल अपॉन 365×100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो कट हो सकता है वो मैं कट कर दूंगा। तो सर 5 के टेबल में 365 आता है, तो हाँ आता है, 5 1s, 5 7s, 5 3s, क्लियर है। तो ना मेरे पास बचा है जो भी है, तो मैं यहाँ पे मेरा n यहाँ पे रखूँगा, तो 70×73 द होल अपॉन 70। ऑफ कोर्स 70 कट, इजी कैलकुलेशन,
तो एन हुआ मेरा 73 days, बराबर है 73 days का मेरा एन है। तो अब इसका पीरियड ऑफ द बिल भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो मुझे क्वेश्चन में बिल ड्रॉन कितना दिया है, 14 अप्रैल, एंड जुलाई है मेरा। तो गाइस 14 अप्रैल मेरा ड्रॉन था, डिस्काउंट हुआ है 6 जुलाई, तो मेरा कब तक होगा, तो बेसिकली कितने महीने तक का है ये बिल। तो 73 days हो चुका है, तो हम लोग जुलाई से 73 days तक काउंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे, मैं मैपिंग कर लेता हूँ वहाँ पर से, ठीक है। इट विल बी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेरे ख्याल से दिसंबर के ऊपर जाएगा नहीं। तो जुलाई के कितने दिन है, 6 जुलाई को डिस्काउंट किया है, तो जुलाई के मंथ में 31 days होता है। 31 माइनस अगर 6 भी करो तो तुमको आंसर आएगा 25 दिन, ठीक है। तो जुलाई के 25 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन। अब तक मेरा टोटल हो गया है 31 प्लस, देखो 25 प्लस 31 होता है मेरा 56, बराबर है 56। और 73 में डिफरेंस कितना है, तो पहले वो माइनस करके देख लो, 73 एंड 56, 13 माइनस 6 इज 7, 17 days का। तो गाइस मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सितंबर में मेरे ओवरऑल 17 days ही आ रहा है, तो 17 days सितंबर में आ जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे 17 days ऑफ सितंबर, तो बेसिकली 17th सितंबर मेरा ड्यू डेट बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे 73 days आ गया है, तो मेरा ड्यू डेट विल बी 17th सितंबर। तो काफ़ी इजी सम था सर, सिर्फ मुझे एन ढूंढना था। क्लियरली इतना क्वेश्चन तुम लोगों को अभी पिछले वीडियो में जो हुआ है वही यहाँ पे हुआ, तो काफ़ी इजी फील हो रहा है मुझे, राइट। अब मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे, इफ डिफरेंस ऑफ बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू 4 मंथ इज 20। तो डिफरेंस ऑफ ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, BD माइनस TD का 20 बोला है, एंड सम ड्यू इज 4 मंथ। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द रेट ऑफ, तो जो भी इन्फो दिया है मैं लिख दूंगा। तो मुझे पहले बोला है कि BD माइनस TD होगा 20, ठीक है। मुझे एन बोल दिया है 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। अगर 4 मंथ्स बोला है तो कहना इसे इट विल बी 4 अपॉन 12, दैट कैन बी 4 वन ज़ा 4 थ्री ज़ा, मतलब 1 अपॉन 3। मुझे आर दे दिया है क्वेश्चन में, दैट इज़ माई 5% पर एनम, बराबर है 5% मुझे पर एनम दे दिया है। उसके बाद फाइंड द TD BDN, अभी मुझे पता है फेस वैल्यू ढूंढना है। फाइंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले गाइस तुम लोगों को पता है BG, BG का फॉर्मूला क्या है, तो BG इज इक्वल टू BD माइनस TD, मतलब कहने से BG विल बी इक्वल टू 20, बराबर है। अब बैंकर्स गेन मुझे मिल गया है 20, यहाँ तक एकदम मैं क्लियर हूँ, चीज़ें मुझे एकदम क्लियरली दिमाग में दिख रही है। तो बैंकर्स गेन मुझे जो है वो मिल चुका है मेरा 20, क्लियर है। नाउ अभी इससे मैं क्या करूँगा सर, BG, BG का एक फॉर्मूला है TD के लिए, तो वो हम लोगों ने निकाला था, BG इज इक्वल टू TD इंटू एन इंटू आर द होल अपॉन 100। BG मुझे मिला है 20, TD नहीं पता सर हमें, इंटू एन मतलब 1 अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियर कट हो चुका है मेरा क्वेश्चन, 5 अपॉन 100, ठीक है। नेक्स्ट ये इधर उधर करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू TD। डिस्काउंट मिल जाएगा 5 वन ज़ा 5 फोर ज़ा, 4 थ्री ज़ा 12, 12 इंटू 100 विल बी 1200। तो TD मिल गया मुझे 1200, TD मिला है, उससे मुझे BD भी मिल जाएगा।
बिकॉज तुमको पता ही है कि BG इज इक्वल टू BD माइनस TD। ये अगर 20 है, BD मुझे नहीं पता और TD अभी अभी मुझे 1200 मिला है, तो मैं क्या करूँ, वहाँ पे ले लूँ तो 20 प्लस 1200 हो जाएगा, तो मुझे आंसर मिलेगा BD का। देयरफॉर BD इज इक्वल टू 1220। सर BD भी मिल गया मुझे, अब मुझे फेस वैल्यू ढूंढना है। तो तुमको पता है गाइस BD का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर द होल अपॉन 100। तो सर BD कितना मिला, 1220। फेस वैल्यू हमको नहीं पता, एन कितना है, एक मिनट गाइस, एन कितना है 1/3, आर कितना है 5/100। क्लियर है, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा नहीं, हमको फिर आगे ही कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 20 × 3 × 100 द होल डिवाइड बाई 5। 5 से मैं कुछ ना कुछ कैंसिलेशन कर सकता हूँ, 5 को इससे डिवाइड करता हूँ, 5 × 2 = 10, 2 × 2, 5 × 4 = 20, 2 × 0, 5 × 4 = 244, 3 × 100 बचा है। तो कहने से 244 इंटू 300 करूँगा तो मुझे आंसर मेरा फेस वैल्यू का मिल जाएगा। और चलो वो मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं, तो फेस वैल्यू का आंसर मिलेगा 244 × 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 + 1 = 13, 6 × 8 = 7। तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 73200। तो 73200 का तुम्हारा फेस वैल्यू, TD मिला, BD मिला और इजीली सम डन। क्लियर है, सेकेंड सम एक बार वापस से देख लेना, ना समझे तो मूविंग विद द थर्ड क्वेश्चन। ऑल राइट गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द 13th क्वेश्चन। अ बिल ऑफ ₹51,000 वॉज ड्रॉन ऑन 18th February। बिल ड्रॉ किया है 51,000 का, मतलब उसका एक वैल्यू दे दिया फेस वैल्यू टाइप। ठीक है, नाउ फॉर 9 months, ऑल राइट, इट वॉज एनकैश्ड ऑन 20th June 2010, मतलब डिस्काउंट किया गया है, एनकैश का मतलब डिस्काउंट किया 20th June 2010 एट 5% पर एनम, कैलकुलेट द बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट। तो पहले मुझे एन ढूंढना पड़ेगा, तो मेरा सम ड्यू दे दिया है मुझे, ठीक है, सम ड्यू इज माई 51,000, ठीक है, सम ड्यू मुझे 51,000 दे दिया है। अब मुझे एन ढूंढना है, मुझे आर दे दिया है 5%, ठीक है, आर दे दिया है 5%, एन ढूंढना है। तो नाउ एन के लिए मैं पहले कैलकुलेट करूंगा कभी डिस्काउंट किया है, तो यहां पे पहले लिख दूंगा डेट ऑफ डिस्काउंट, डेट ऑफ डिस्काउंट इज 20th June, डेट ऑफ ड्रॉइंग कभी हुआ है मुझे, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग हुआ है 18th Feb। अब कितने महीने के लिए सर, तो 9 महीना, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जा रहा है ये। तो मेरा नॉमिनल ड्यू डेट, मैंने लिखा नॉमिनल ड्यू डेट, नवंबर का कौन सा महीना रहेगा, 18th November बराबर है, 18th November रहेगा, ये नॉमिनल है, ठीक है। लेकिन सर लीगल ड्यू डेट क्या बोलता है, यहाँ पे लिखूँगा मैं लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 3 दिन ऊपर, मतलब दैट इज 21st November। अभी मुझे डिस्काउंट से लेके आगे कैलकुलेशन करना है, वो कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखाते रहूँगा। तो सबसे पहले महीना चालू करूँगा मैं जून से, बिकॉज जून में डिस्काउंट हुआ है, बराबर है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड ऑफ कोर्स नवंबर, ठीक है। तो जून में कभी हुआ है,
तो तुम लोग देखो 28 जून, मतलब 2 दिन बाकी है, 29 और 30, मतलब कितने दिन है जून के? 2 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, एंड नवंबर में ड्यू हो रहा है 21, तो यहाँ पे 21 दिन ऐड करते हैं, 31 31 31 ये हो गया 93, 93 प्लस 30 कर देते हैं तो 93 और 30 हो गया 123, 123 और 2 तो 125, 125 एंड 21 तो 146 डेज, टोटल डेज हुआ है 146 डेज। ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग को जो जो इन्फो दिया है और उसके बाद हम लोग को गेन करना है बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट, तो 51,000 मुझे बोल दिया है। अभी सम ड्यू का फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा रहेगा, तो मैं थोड़ा पीछे जाके तुमको सम ड्यू का फॉर्मूला दिखा दो। सम ड्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी, ठीक है, मैंने बोला है प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी। नाउ सम ड्यू मुझे 51,000 दे दिया है, प्रेजेंट वर्थ मुझे पता नहीं है और टीडी ढूंढना है मुझे, बराबर है? तो इसको हम लोग वैसे ही धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सम ड्यू का फॉर्मूला, ठीक है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी। अगर फॉर्मूला में तुम लोग वापस जाके क्लियरली देखो तो और एक फॉर्मूला है टीडी का, टी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बराबर है? तो मैं टीडी ढूंढ लूँगा और फिर सम ड्यू में वो डाल दूंगा मैं, ठीक है? तो पहले मैं तुम्हारा टीडी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे है, देयरफॉर टीडी इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर द होल अपॉन 100। मेरा पी डब्ल्यू इंटू 146 इंटू 5 एंड द होल अपॉन यहाँ पे 365 इंटू 100। सब अभी तो मैंने आदत गिर चुकी है हमें, 5 1 ज़ा 5 73 3 ज़ा 73 का डबल है, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो बच्चा मेरे पास 2 अपॉन ये, तो मेरा प्रेजेंट वर्थ हो गया 0.02 पी डब्ल्यू, बिकॉज 2 डिवाइड बाई 100 विल बी 0.02 पी डब्ल्यू। यहाँ पे क्लियर है चीज़ें एकदम, ये मेरा हो गया 0.02, मुझे टीडी मिला, ये मुझे टीडी मिला है, ठीक है? अभी ये मैं इसी फॉर्मूला में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखते रहना। अभी मेरा फॉर्मूला था एस डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी, यहाँ पे हो गया पी डब्ल्यू प्लस 0.02 पी डब्ल्यू, मतलब ये हो जाएगा मेरा 1.02, बिकॉज ये पी डब्ल्यू के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो 1 प्लस 0.02 इज 1.02 पी डब्ल्यू, एंड सम ड्यू का वैल्यू उन्होंने दे दिया है 51,000। इसको कैलकुलेट करके मुझे पी डब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी, इसे आगे जाके मैं सम ड्यू टी डी सब ढूंढ सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 51,000 डिवाइड बाय 1.02 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस, तो 51,000 इंटू 100, बिकॉज नीचे वाले का डेसिमल ऊपर आता है, और ये 102 कर दूंगा, बराबर है? तो दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 50 ज़ा, ये हो जाएगा 51 ज़ा, 51 ज़ा एंड ये हो जाएगा 1000, 1000 इंटू 50 बचा मेरे पास, तो प्रेजेंट वर्थ, तो देयरफॉर पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 50,000, 50,000 मिला। अब मेरे पास फॉर्मूला था दैट एच डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी, अगर मेरे पास एच डी ऊपर मैंने यूज़ किया है पी डब्ल्यू प्लस टी डी होता है, तो मुझे बताओ ये 51,000 है, ये मुझे अभी अभी मिला 50,000, तो प्लस टी डी, तो टी डी मिल जाएगा मुझे, तो देयरफॉर टी डी इज इक्वल टू 1,000। मुझे फर्स्ट पार्ट इस सम का मिल गया है, मुझे टी डी मिल गया है। सर अभी आगे और क्या क्या ढूंढना था हमें क्वेश्चन में, तो पहले मुझे
TW बोला नहीं था, लेकिन वो ढूंढना पड़ा बिकॉज उससे मुझे TD मिला। अभी TD के साथ मुझे ढूंढना है बैंकर्स गेन। अभी बैंकर्स गेन ढूंढना तो मुझे BD भी पता होना चाहिए, बराबर कि नहीं? अभी BD के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो बिकॉज बैंकर्स गेन इज इक्वल टू BD अपॉन TD, ठीक है? और बैंकर्स गेन का और एक फॉर्मूला, तुम लोग फॉर्मूला वाले पार्ट में जाओगे तुमको यहाँ पे पता चलेगा, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो वी कैन डेफिनेटली यूज दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, देयरफॉर बैंकर्स गेन इज इक्वल टू TD इंटू N इंटू R द होल अपॉन 100। बैंकर्स गेन कितना है तो वो नहीं पता हमको सर। TD तो अभी अभी मिला 1000, बराबर है सर। N कितना है? 146 बराबर है अपॉन 365 इंटू 5 अपॉन 100। तो जो कैंसिल होता है वो कर दूंगा, 1 2 1 2, ये 1 ज़ा, ये हो जाएगा 73 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा। तो देयरफॉर बैंकर्स गेन हुआ है 10 2 ज़ा 20। तो मुझे बैंकर्स गेन भी मिल गया और TD भी मिल गया है। तो मस्त एकदम क्लीन एंड क्लियर सम है। सिर्फ थोड़ा सा एन ढूंढने में थोड़ा इश्यू हो सकता है, बाकी बहुत ही इजी सम है। तो ये क्लिक हो गया तुम लोग को। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, अ सर्टन सम ड्यू, सम ड्यू को है मंथ्स और थ्री ड्यू, सम ड्यू 3 मंथ्स हैंस इज 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ का कितना? 21/20 का बोला है सम ड्यू। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मतलब उन्होंने इन्फो मुझे दे दिया है दैट SD इज इक्वल टू 21/20 ऑफ PW। सर SD का फॉर्मूला क्या था? SD इज इक्वल टू PW प्लस TD, बराबर है? तो ये SD अगर मेरा 21/20 है PW, तो ये माइनस PW हो जाएगा, तो मुझे TD मिलेगा कहीं ना कहीं पे जाके, बराबर है? इन लोगों में सॉल्व करूँ तो 21/20 - 1 द होल PW, PW कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू TD। सॉल्व करूँगा 21 से 20, 21 - 20 इज 1/20, तो 1/20 PW इज इक्वल टू TD। अब और एक चीज़ मुझे क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मुझे TD का भी फॉर्मूला पता है तो वो PW से चालू होता है, बराबर है गाइस? तो PW यहाँ पे ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे तो TD का फॉर्मूला है PW इंटू N इंटू R द होल अपॉन 100। एक बार मैं N के लिए देख लेता हूँ क्वेश्चन, फॉर 3 मंथ्स। तो मेरा N तो मुझे 3/12 मिल चुका है, ठीक है? यहाँ पे TD के बदले लिखूँ मैं 1/20 PW इज इक्वल टू PW इंटू 3/12 इंटू R अपॉन 100, ठीक है? अभी मुझे पता है क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे PW यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा PW, और यहाँ पे 1/20, तो बचा मेरे पास 3 1 ज़ा, यहाँ पे 1 ज़ा एंड 4 ज़ा कर देता हूँ मैं, तो ये बचा मेरे पास सिर्फ R/4 × 100। अब ये PW भी कैंसिल हो गए मेरे। मूविंग अहेड, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो R को अकेला छोड़ो, यहाँ पे नीचे पहले से 20 है, तो ये ऊपर जाएगा 4 × 100, गाइस 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, तो देयरफॉर मेरा R आ चुका है 20%। वेरी इजी सम, स्मूथ एकदम क्लियर गया है मेरा। तो तुम लोग एक बार सॉल्यूशन आराम से क्लियर कर दिखते रहना, ठीक है? तो मैंने क्या क्या एक एक स्टेप फॉलो किया है तुम लोगों के सामने मैंने दे दिया। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखे हो तो वापस से वही बिल वाला क्वेश्चन आ गया है, जहाँ पे आई कैन से अ बिल ऑफ अ सर्टन सम ड्रॉन ऑन 28 फेब 2007 फॉर 8 मंथ्स वॉज एनकैश्ड ऑन, एनकैश का मतलब डिस्काउंट, 26 मार्क्स। तो इसका एंड ढूंढना है
फॉर 10,000, तो सम ड्यू मुझे बोल रहा है 10,992 फुड इन, फाइंड द फेस वैल्यू। ठीक है, तो मुझे फेस वैल्यू ढूंढना है, फेस वैल्यू के लिए मुझे BD चाहिए रहेगा, बराबर है। तो बहुत ही ईजी सम है, खुद से एक बार तुम लोग ट्राई कर सकते हो गाइस, इसलिए ये सम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर सम नहीं आता तो बिंदास नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे फोटो भेजो, सर ये डाउट है, ये एक सोल्यूशन भेजो, मुझे समझाओ जरा, तो आप डेफिनेटली मैं समझाऊंगा आपको कुछ ना कुछ करके। तो ये वाला पार्ट मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, एंड यहाँ पे मेरा चैप्टर पूरा का पूरा ब्रोकरेज कमीशन एंड डिस्काउंट ख़त्म होता है। तो कोई भी डाउट हो तो बिंदास व्हाट्सएप करो एंड मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व करूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।